किसका होगा राज तिलक, ये तय करने के लिए उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग चल रही है। 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है और इस समय हम आपको बताते हैं कि अभी तक जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत कितना अभी बताया जा रहा है। आगरा में 8.1, बुलंदशहर में 7 से कुछ ऊपर, मथुरा में 8 से कुछ ऊपर, बागपत में 8.5%। ये अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है, और संजय जी 2-2.5 घंटे की वोटिंग में जो ये परसेंटेज आ रहा है, ये उत्साहवर्धक है या सामान्य है? नहीं, मुझे लगता है उत्साहवर्धक है। एक तो दो चीजें हैं श्वेता, एक तो इन आंकड़ों को देखिए, सब जगह करीब 8-9% वोट पड़ गए हैं। हाँ। और सईद अंसारी जो कतारें दिखा रहे थे वो लंबी कतारें, मुझे लगता है पूरा का पूरा चुनाव वेस्टर्न यूपी में तो खासकर आइडेंटिटी के सवाल पर टिका हुआ है, और वो आइडेंटिटी है आपके धर्म की आइडेंटिटी और आपकी जात की आइडेंटिटी, और जिन बातों का बार बार जिक्र हो रहा है, मुस्लिम मतदाता, जाट मतदाता, इस वजह से ये लंबी कतारें आपको बूथों पर दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन विनोद जी, ये नहीं हम भूल सकते हैं कि ये जो लंबी कतारें दिख रही हैं, उसका सीधा मतलब ये भी हो जाता है कि हर पक्ष, कोई भी लेट बैक नहीं है कि हमारी वाली पार्टी तो जीत रही है, सब निकल रहे हैं, सबको मालूम है वोट देना है। इसका एक ये भी संदेश है कि पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं कि उनका उनका जो जनाधार वर्ग है, जो गारंटी है कि हमें वोट देगा, उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकाला जाए। आमतौर पर क्या होता है, अगर मान लीजिए आप एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि हमारा तो, हम तो जीत ही रहे हैं, तो आपका समर्थक के बाहर नहीं निकलता है, और हम देख चुके हैं राजस्थान में सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार चुके हैं और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए इस चक्कर में। तो कोई भी पार्टी, कोई भी प्रत्याशी ये जोखिम मोल नहीं लेना चाहता है, कम से कम इस बार के कांटे के चुनाव में। जब लहर होती है एक तरफा, तब कई बार एक वो भी हो जाता है, सुस्ती पड़ जाती है कि हम तो जीत ही रहे हैं, लेकिन इस बार एक बार से साबित होती है कि चुनाव जो है बिल्कुल मुकाबले का है। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के टोन को सेट करने के लिए पहले ही दिन 80-20 का वो दे दिया था नारा, 80% बनाम 20% का नारा दे दिया था, विजय जी बिल्कुल ठीक बात है। तो वो संजय जी की बात को पुख्ता कर रहे हैं कि संजय जी ने कहा कि जाति और धर्म आइडेंटिटी जो है वो इस मामले में, इस चुनाव में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मेरठ को आप देखें, मुजफ्फरनगर को देखें, जो बात हो रही है उसमें जाति भी है और धर्म भी है, दोनों को लेकर राजनीतिक दल महत्वपूर्ण कर रहे हैं। और जो बात चर्चा कर रहे हैं कि हम, आपने भी जैसे बार बार अपील की कि वोट देना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। हाँ। तो जैसे विनोद जी ने भी जिक्र किया कि 2008 में राजस्थान में सीपी जोशी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे, लेकिन वो एक वोट उनको कम मिला, 62,215 वोट मिले, बीजेपी के 62,216 मिले, वो हार गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उससे पहले 2004 में कर्नाटक का मामला था जहां जेडीएस के कृष्णमूर्ति साहब थे, यार कृष्णमूर्ति, वो भी एक वोट से हार गए। और 99 की वाजपेयी सरकार का आपने जिक्र देखा ही है कि जो एक वोट से हार गई, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मैं बताता हूँ, एक वोट से भी ज्यादा आधा वोट कि 2017 में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे और अहमद पटेल गुजरात में कैंडिडेट थे, तो वहां पर 2 कांग्रेस के वोट रद्द हो गए थे, उस वजह से जो वोट मिला टोटल मिला 43.5 वोट जी, और अहमद पटेल को मिल गए 44 वोट, तो वो आधा वोट से जीत गए। तो आधा वोट भी कीमती है, इसलिए हर आदमी वोट डालने जरूर जाए और ये ना सोचे कि भाई वोट नहीं डालेंगे और एक वोट से कोई फर्क पड़ जाएगा। वैसे तो अमेरिका का मैं उदाहरण देख रहा था कि 1874 में वहां पर राष्ट्रपति जो बनने वाले थे वो एक वोट से हार गए। हाँ। और दूसरा आदमी राष्ट्रपति बन गए। ये बातें सुनकर जो लोग सोच रहे होंगे कि एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, वो सारे लोग शानदार अपील आई थी, वो कानपुर के खास से वो कलाकार है, तो उनका था कि वो अपनी दो लोकल भाषा में कह रहे थे कि भाऊजी बैठी ना रहे हो। हाँ। नहीं जो है फिर ना कहे हो कि फलाने का है हारी के, जब वोट डालने देखियो तो हारी ही नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज रहती है। लेकिन संजय जी, खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, यहाँ की आबादी इतनी बड़ी, एक जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें गोवा से अगर हम तुलना कर लें तो वहां तो एवरेज 30,000 के करीब वोटर होते हैं एक बूथ पर, यहाँ तो लाखों की संख्या में, और गाजियाबाद जो आप खुद अभी जिक्र कर रहे थे। हाँ, मैं साहिबाबाद का जिक्र कर रहा था। साहिबाबाद ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है, पूरे देश में सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है, साहिबाबाद में तकरीबन 11 लाख मतदाता हैं। लेकिन अगर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को देखें तो श्वेता, तकरीबन यूपी के असेंबली कंस्टिट्यूएंसी 5-5.5 लाख की, 4-5 लाख की होती है। छोटे राज्यों में, यूपी के साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, गोवा का आपने जिक्र किया करीब 30,000 का, और अगर आप मणिपुर को देखें, मणिपुर में टोटल वोटर ही 21 लाख हैं, और आप देखिए गाजियाबाद की, साहिबाबाद की कंस्टिट्यूएंसी में 11 लाख वोटर हैं। तो छोटे छोटे राज्यों में छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसी होती है और वहाँ जीत हार का फासला भी कम होता है, वहाँ टर्नआउट जब देखेंगे, जब वहाँ 14 को वोट पड़ेगा तो देखेंगे टर्नआउट वहाँ और ज़्यादा होगा।